राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के पारस अस्पताल में मरीज के वेरिकोस वेन का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। मरीज के पैर में गंभीर दर्द, खुजली और सूजन की शिकायत थी। जांच करने में सामने आया कि मरीज को वेरिकोस वेन की समस्या है। वेरिकोस वेन्स बड़ी हुई नसें होती है, जो कोई भी नस वेरिकोस वेन में बदल सकती है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित नसें पैरों और पैरों के पंजों में होती है। इसके कारण खड़े होने, घूमने व आपके निचले हिस्से में दबाव बढ़ जाता है, जिससे आमतौर पर खुजली और नसों में सूजन शुरू हो जाती है। अब इसका सफल इलाज उदयपुर में भी संभव है। उदयपुर के पारस जेके हॉस्पिटल में नई तकनीक से वेरिकोस वेन का सफल इलाज किया गया है, जिसमें बिना किसी चीरफाड़ के मरीज को इस वेरिकोस वेन समस्या से निजात दिया जा सकता है। इसमें केवल एक कैंडुला चित्रा चीरा करके उसमें एक वेन डेवलप की जाती है, जिसे फेविकोल रूप के एक ग्लू से चिपकाया जाता है, जिससे इस वेन को ब्लॉक किया जाता है और मरीज को इससे कोई समस्या भी नहीं होती है। इलाज के करीब 1 से 1.5 घंटे में ही मरीज को इस वेरिकोस वेन समस्या से राहत मिल जाती है और कुछ ही समय में वह अपना निजी कार्य आराम पूर्वक कर सकता है। उदयपुर शहर में इस तरीके का इलाज पहली बार पारस जेके हॉस्पिटल द्वारा किया गया है और यह एक सफल परीक्षित इलाज है, जो आमतौर पर वेरिकोस वेन की समस्या को हल करता है। वेरिकोस वेन का इलाज किया गया है। वेरिकोस वेन जो हमारी पाँव की नसें फूल जाती है, डायलेट हो जाती है, नीले नीले रंग के थक्के दिखने लग जाते हैं, उनको हम वेरिकोस वेन कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है। ये यूजुअली औरतों में होती है या फिर जो मेल्स जो खड़े रहते हैं लंबे टाइम तक, उन खड़े रहने से ये बीमारी होती है। कई बार ये जेनेटिकली भी देखा गया है। जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है उन लेडीज़ में भी ये ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड भी देखी गई है। जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उनमें भी इनके होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने इसका इलाज जो किया है वो एक नई टेक्निक विनासील ग्लू टेक्निक है, उससे किया है। उसमें एक कैनुला लगने जितना हम पंक्चर करते हैं उसी के थ्रू हम एक कैनुला डाल देते हैं और उस वेन को ग्लू डाल के पूरी वेन को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें किसी तरह का चीरा नहीं है, किसी तरह का काटा नहीं है, हम टाका नहीं है, हम कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को अगले ही घंटे